Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Nangwal Chandra. Today in this video, we are going to explore what are the prerequisite things which you should buy before going to Australia. मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है. आई हैव माई स्टफ हेयर. आई एम गोना शो यू कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है. बट फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर हेयर गाइज कि वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन टू डिफरेंट पार्ट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मेजर थिंग विच यू शुड बाय एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू द ऑस्ट्रेलिया. एंड द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना शेयर सम रिमेनिंग थिंग्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वन सिंगल वीडियो. सो वीडियो को स्किप मत करना. सी टिल द एंड, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो गाइज, बिफोर गोइंग अहेड वी शुड नो अबाउट कि कौन सी चीज़ें हम ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है. कुछ चीज़ें आप ले जा तो सकते हो बट वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी. कुछ चीज़ें आप रेस्ट्रिक्टली नहीं लेके जा सकते, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और कौन कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हो, ये सब आपको मैं बताने वाली हूँ. बट गाइज, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं आपको स्पेसिफिक ना एक एक थिंग्स की डिटेल दूंगी, ये चीज़ें ले जानी है, ये चीज़ नहीं ले जानी है. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कैसी कौन सी चीज़ें जो आपको मस्ट खरीदनी है इंडिया से ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी फर्स्ट ट्रिप है या फिर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, देन यू मस्ट हैव बाय फ्यू बैग्स. तो आपको ये लगेज बैग लेने हैं. आई हैव बॉट इट लाइक स्काई बैग्स का मैंने ये बैग लिया हुआ है. तो मैंने इसका पूरा पैकेज लिया था, पैकेज इन द सेट ऑफ थ्री बैग्स. मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी शो करके. ये जो मैंने आपको दिखाया है मेरा कैबिन बैग है, और जो मेरा इसमें लगेज अलाउ है मतलब कैबिन बैग में, वो मैं सिर्फ 7 kg रख सकती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बाय गुड ट्रॉली बैग्स, लगेज बैग जिसमें आपका सामान जा सके. ट्राई करना ऐसा कलर लो जो जल्दी से गंदा ना हो, और थोड़ा सा कंपनी वाला लेना बस टिक जाए. एंड इट्स टोटली योर चॉइस गाइस, आप इसे कपड़े का लेते हो या फिर आप मोटे प्लास्टिक का लेते हो. आई हैव प्रेफर्ड प्लास्टिक वन, सो यू कैन टेक इट एज योर विश. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि सबसे पहले आपको एक अडेप्टर लेना है. अडेप्टर शुड बी यूनिवर्सल अडेप्टर. जो इंडिया में स्विचेज हमारे होते हैं ना थ्री वाले, वहां पे नहीं होते हैं, उनके पिन सेपरेट होते हैं. आई एम गोना शो यू कि कौन से आपको चार्जर लेके यहाँ से जाने हैं. इस बैग में मैंने बहुत सी चीजें भी रखी हुई, बट मैंने भी अपनी पैकिंग करी नहीं है. आई एम गोना शो यू कि कौन सी चीज आपको रखनी है. तो गाइस, बैग के बाद सेकंड चीज आपका यूनिवर्सल चार्जर है. आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो या वहां से भी ले लो. मैं यही प्रेफर करूंगी यहाँ से ले लो अगर बजट वगैरह है. तो ये ट्रैवल अडेप्टर आपका काम आएगा, क्योंकि वहां के स्विचेस डिफरेंट होते हैं इंडिया से. तो इंडिया वाले जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं ना, डायरेक्ट अगर आप लगाओगे तो वहाँ नहीं लगेंगे. मैंने जो बाय किया है ये कंपनी है आपकी RTS, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. और डेफिनेटली इसमें ना सारे के सारे पोर्ट्स हैं, आई होप आप देख पा रहे हो. तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये इंडियन वाला है, ठीक है. हमारे वहाँ यहाँ ऐसे होते हैं, बट वहाँ ना ये नहीं होंगे. तो आपको क्या करना है, इसके बैक साइड में देखो, आपको सारे कंट्री के मिल जाएंगे. ये जैसे USA एंड जापान का है, ये ऑस्ट्रेलिया और थाई का है, देन UK और SP का है, ये UK का है. तो कैसे चेक करना है ना, ये देखो, एबल टू सी, ये कुछ ऐसी पिंस हैं, ये आपको वहाँ पे यूज़ करनी है. ये मतलब थोड़ी सी मूव वगैरह भी हो जाती है, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा एग्जैक्टली ये कैसे काम करने वाला है. तो और ये यूरोप का, अगर आपका मतलब अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो ये चार्जर आप ले सकते हो, क्योंकि ये यूरोप की पिन है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, और थाई, USA, जापान, UK, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है. तो ये यूनिवर्सल चार्जर, लेट्स सपोज अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप सिंपली इनको यूज़ करो, देन ये जब पुट हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपना इंडियन स्विचेस डाल सकते हो. तो इसके लिए क्या करना है, ये लेके जाना और एक बोर्ड लेके जाना. जब आप बोर्ड से कनेक्ट करोगे, बोर्ड में 4-5 स्विचेस होंगे, तो आप ऑलरेडी अपने इंडिया की जो पिंस वाले डिवाइसेस है उसे यूज़ कर सकते हो. तो इसको बाय कर लेना. इसकी मल्टीपल कंपनीज हैं, बट जो मुझे ठीक लगी वो लगी RTS की, और ये मुझे अराउंड पड़ा 600 to 700, आई गेस 750. ये मुझे जो चार्ज पड़ा है इसका 750 पड़ा है अमेज़ॉन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये ले लेना, क्योंकि काम आएगा. मान लो एयरपोर्ट में आपका चार्ज खत्म हो गया तो आप कैसे करोगे. ये चीज़ है सेकंड जो आपको लेके जानी है. एंड बिफोर मूविंग अहेड गाइज, आई वांट टू लेट यू नो वन थिंग. इफ यू लुकिंग फॉर द राइट एजेंट फॉर योर वीजा फाइलिंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड एनी अदर कंट्री, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर वीजा फाइलिंग. आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको एक्सेस करना है, एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर वीजा फाइलिंग. तो इफ यू लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेबल एंड द जेन्युइन एजेंट, यू कैन ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स. एंड गाइज, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इवेल्युएट योर प्रोफाइल. जो भी आपकी प्रोफाइल है, स्पॉन्सर्स है, सैलरी है, वट एवर फंड्स यू हैव. सो इफ यू लुकिंग फॉर अ राइट एजेंट, सो येस वी कैन हेयर टू हेल्प यू फॉर योर वीजा फाइलिंग. तो फटाफट से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड एक्सेस विद दैट. आपको कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई टीम, एंड यू विल गेट ऑल द शॉर्टेड क्वेरीज. अगर आप जून एंड जुलाई के लिए टारगेट कर रहे हो गाइज, दिस इज द राइट टाइम, वी कैन हेल्प यू फॉर योर वीजा फाइलिंग. सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस. नाउ थर्ड इज गाइज कि बैग में एक तो वेट होता है और एक स्पेस होता है. वेट तो हम नाप लेंगे, बट स्पेस हम कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमारे पास है वैक्यूम बैग्स. तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक में डाला बट अभी वैक्यूम किए नहीं है. ये आप ले लेना, देखो
ये इतना बड़ा आपको वैक्यूम बैग मिल जाएगा। ये आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हो। ये आपको मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल में मिल जाएंगे। एक सबसे लार्ज आपको मिलेगा, देन मीडियम दो मिलेंगे और दो स्मॉल मिलेंगे। आई गेस मुझे तो सब अभी बड़े बड़े ही लग रहे हैं। यू कैन सी इट, इसमें आराम से आपकी ब्लैंकेट वगैरह ना सब आ जाएंगी। ठीक है, तो आप ये खरीद सकते हो। मैं इसकी साइज और देती हूँ। मैंने ये खरीदे अमेजोन से, तो एक ये है। तो मेरे पास ऐसे पांच हैं जिसमें से मैंने एक यूज किया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये दिखाती हूँ आपको, ये है एक बैग, मतलब इस वैक्यूम में मैंने ये डाला हुआ है। अभी आप बोलोगे क्या है विशा, तो वैक्यूम बैग आपको समझ में आ गया। इसमें एक आपको पंप मिलेगा, ठीक है, तो पंप से ना आप इसकी एयर निकाल सकते हो। कैसे, जो ये बैग है, इस बैग का सिंपली पहले आपको ना इसमें सामान रखना है, इसको खोलना है और इसको ओपन करके फिर ये पंप के थ्रू आपको यहाँ पे इससे हवा निकाल देनी है। तो ये ना मतलब आपने यूज़ भी किए होंगे, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे भी नई नॉलेज थी इसकी। मैंने भी इंटरनेट से पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि कभी ऐसा इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पेस कम हो जाएगी। अभी नेक्स्ट आपको चाहिए ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पिलो कवर। पिलो कवर आप चाहो तो ले जा लो, नहीं चाहो तो मत ले जाओ, मैं तो ले जा रही हूँ। तो दिखा देती हूँ, ये है मेरा, तो ये कंबल है एंड ये बेडशीट है हम, और इसमें एक वॉर्म बेडशीट भी है ये वाली। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो कंबल है ना, ये काफ़ी मतलब गर्म होता है। इसके बदले आप चाहे तो कंफर्टर ले लो, ब्लैंकेट ले लो, या फिर जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं फिलहाल ये लेके जा रही हूँ, वेट के हिसाब से इसका वेट सबसे कम पड़ रहा है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। और इसके साथ साथ कोशिश करना जो बेडशीट लेके जाओ वो डबल बेड के लेके जाना, सिंगल की मत लेके जाना। गर्म भी रख लेना और दो पेयर चाहे तो कॉटन के रख लेना, बट हैवी ले जाना, क्योंकि अगर आप वहाँ मशीन वगैरह में धोगे तो ना जल्दी ख़राब ना हो, इस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से लेके जाना। तो ये है, बट अभी मैंने इसे वैक्यूम नहीं किया है क्योंकि इसमें एक पेयर ऑफ बेडशीट मैंने और डालना है, उसके बाद मैं इसको वैक्यूम कर दूंगी। तो आप ऐसे ना जैसा वैक्यूम बैग मंगाओगे तो पांच वैक्यूम बैग आपको मिल जाएंगे एक पैक में। तो ऐसे सेट बना सकते हो, एक में सारा आपका ब्लैंकेट वगैरह आ गया, एक में सारे आपके फॉर्मल्स वेयर आ गए, ऐसे करके आप कैटेगराइज कर सकते हो। उन्होंने आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कैसे कैटेगराइज किया है। अभी इसके बाद वहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स वगैरह होती है उसमें ब्लैक ही कपड़े मतलब यूजली मतलब अलाउ करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट को या फिर कोई भी पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो ब्लैक सेट ऑफ आप पेयर ले सकते हो, आप चाहे फॉर्मल ले लो, लोअर ले लो, ट्राउजर्स ले लो, तो ब्लैक कपड़े आप लेना। टी शर्ट्स ब्लैक ले लेना, प्लेन वाइट ले लेना, मोस्टली मतलब कम से कम 3 से 4 पेयर आप ब्लैक वाइट के रखो। मैंने 4 ब्लैक एंड 4 वाइट के रखे हुए हैं। वैसे भी मेरे 95% जो मेरे कपड़े हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही हैं, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ। बट आपको ध्यान रखना है, रंग बिरंगे कपड़े अगर आप पहनते हो तो आप ले जा सकते हो, बट फॉर्मल वेयर्स आपके होने चाहिए। फॉर्मल्स ये नहीं कि सूट वो टाइप नहीं, कुछ ऐसे फॉर्मल ट्राउजर्स हैं, पैंट्स जो होती है जो कंफर्टेबल होती है वो लेके जा सकते हो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी एग्जैक्टली क्या क्या कपड़े लेके जाना है। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद कपड़े के साथ साथ गए यहाँ पे आपको शूज़ भी लेने हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली ब्लैक शूज़ लिए हैं क्योंकि मेरे पास शूज़ थे नहीं, मतलब मेरे पास मिक्स शूज़ थे। तो मैंने चूज़ लिए, ट्राई करना थोड़ा सा कंपनी का ले लो, मतलब जितना आपका बजट है। तो मैं बेसिकली रेड टेप या फिर कैंपस के शूज़ वेयर करती हूँ, तो मैंने एक ब्लैक का लिया है कैंपस का। वैसे तो ना ये भी ब्लैक हो तो अच्छा है, ठीक है, बट ये मेरा वाइट है क्योंकि मुझे पसंद आ गया था और मैंने बाद में ध्यान दिया। इसको मैं नॉर्मल यूज़ कर सकती हूँ, बट ट्राई करना आपका ये भी ब्लैक हो, ये भी ब्लैक हो, फुल ब्लैक हो। तो ये शूज़ मैंने अभी फ़िलहाल के लिए लिए हैं, ये शायद मैं वेयर करके जाऊँगी। एक मैंने वाइट पेयर लिया है, इसके अलावा एक मैं फुल ब्लैक लूंगी जो कि मेरे पार्ट टाइम जॉब वगैरह में काम आएगा। तो मेक श्योर करना जो आप शूज़ ले रहे हो थोड़ा जैसे स्नोई टाइप में चल जाएं, बूट्स ले लेना या आप ऐसे शूज़ भी ले सकते हो। और शूज़ के साथ साथ सॉक्स के आप कम से कम 10 पेयर रख लेना, यूज़ वाली भी जैसे हम 5-6 पेयर तो रखते हैं, वहाँ शायद धूप ना निकले या आपको टाइम ना मिले, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना है। टाइम के हिसाब से कपड़े साफ करोगे तो बेटर है, 6 से 7 जोड़ी तो मिनिमम आप लेके जाना। मैंने 10 पेयर करे हुए हैं जो हम गर्मी में पहन सकते हैं और 5 पेयर लिए हुए हैं जो हम सर्दियों में पहन सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज नॉट मैंडेटरी बट आप ले सकते हो, दैट इज योर पिलो। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हो और एल्स यू कैन बाय इट। अगर आपको चाहिए तो ये तो मतलब डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी, पर्सन टू पर्सन। तो मैंने ये वाला बाय किया है, इतना ध्यान रखना। एक होते ना दाने वाला, मुझे एग्जैक्टली उसका नेम याद नहीं आ रहा, वो वाले मत लेना। ट्राई करना कि कुछ ऐसे कुशन टाइप के होते हैं ना, ये इस टाइप का लेना क्योंकि कुछ इशू नहीं आएगा, आप कोई सीट नहीं लेके जा सकते। तो ट्राई करना कुछ ऐसे कोई दूसरा फैब्रिक वाला लेके जाओ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाइज गाइज योर ट्रैवल बैग, जो कि आप छोटा सा एक ले सकते हो। ये एक्चुअली आपका ट्रैवल बैग है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान डाल सकते हो रिलेटेड टू योर लिक्विड। तो इसमें ना आपको कुछ ऐसे पाउचेस मिल जाते हैं, जैसे कि एक तो ये है, इसमें आप सामान रख सकते हो, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इसमें खोल के भी मतलब काफ़ी सामान आ जाएगा, मैंने ट्राई किया था। चौथा ये है, ठीक है, इतना मतलब काफ़ी लार्ज है, और एक यहाँ पे भी रख सकते हो।
पाशवा। और इसमें क्या रखना है, इसमें बेसिकली ना आपका शैम्पू लिक्विड जितना सामान है ये एडिशनली आप ले लो, ये रिकमेंडेबल है और इम्पॉर्टेंट भी है, वहाँ जाके चाहो तो इसी में सामान रख के इसको ऐसे हैंग भी कर सकते हो क्योंकि वी डोंट नो वहाँ पे क्या सामान होगा या नहीं, बट ये आपके ना ट्रैवल के टाइम पे काम आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आप बाय कर सकते हो। उसके सेकंड, अच्छा इसके लास्ट में भी एक पॉकेट है, तो ये आप ले लेना। एंड द नेक्स्ट वन इज गाइस कि किचन का सामान हमें क्या क्या लेके जाना है, तो मैंने तो लिया है, कुछ लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है लाने की, बट आई वुड से कि लेके जाओ, बड़े नहीं छोटे लेके जाओ, पेट के हिसाब से लोग मना करते हैं, बट व्हाट वुड आई रिकमेंड कि यार लेके चले जाओ, ठीक है। तो मैंने तीन चीज़ें ही ली हैं जो मतलब मैंने खरीदी हैं इस चीज़ में, बाकी तो मेरे घर पे चीज़ें थी। एक तो ये पैन है, नॉन स्टिक पैन है, ये कोशिश करना इंडक्शन वाला सारा सामान लेके जाओ, तो ये मुझे ना मतलब सबसे छोटा वाला मिला जी, तो मैंने ये खरीद लिया अपने लिए। इसमें ऐसे आप कुछ करी ग्रेवी दाल वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा एक कुकर भी मैंने ले ही लिया, तो बट वेट के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, वेट ठीक है नॉर्मल है, छोटा है, और मेक श्योर कि इंडक्शन वाले हों, और ये जो ये सरफेस हो ना सारे आपके बर्तनों की ये फ्लैट हो, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको कढ़ाई भी लेके जानी है, आपको कुकर भी लेके जाना है, पैन भी लेके जाना है, चाय बनाने के लिए अलग से कोई पैन ले जाना है, वो ज़रूरत नहीं है, आप मतलब मल्टीटास्किंग बन सकते हो। तो आई हैवंट यूज दैट, बट ट्राई करूँगी कि एक चीज़ में क्या क्या बन सकता है। तो ये कुकर तो मैंने ले ही लिया, क्योंकि अगर आपको सेल्फ अलोन मतलब अकेले भी रहना है ना, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ भी बाय कर सकते हो, बट वहाँ क्या पता महंगा है कैसे हो मुझे नहीं पता। और मेरे पास एक्चुअली लाइक वेटेज काफ़ी अच्छा है, मैं ठीक ठाक ले जा सकती हूँ, तो मैं ना वो चीज़ें ज़रूरी ले जाऊँगी जो इम्पॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज योर तवा, ये तो मुझे ना मतलब बड़ा ही लग रहा है, बट मैंने ले लिया क्योंकि इसका छोटा साइज़ नहीं था, क्योंकि तवे का इतना तो गोल मतलब इसका इंडक्शन प्लेट ही आ रहा है, तो दुकानदार ने मुझे बोला मैडम इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा, तो मैंने एक ये ले लिया है। चाहो तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो, मतलब ये जो यूटेंसिल्स हैं ये बर्तन खाना बनाने वाले, इसके साथ आप एक कड़ची लेके जा सकते हो और अपनी थाली चम्मच प्लेट कटोरी स्पून्स और टिफ़िन लेके जाना है, ताकि आप पार्ट टाइम जॉब या किसी भी जॉब में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, तो अपना खाना पैक करके लेके जाओ। और इसके अलावा कुछ एक दो स्टोरेज बॉक्स लेके जाना, वो भी मैंने ऑर्डर किए, अभी तक आए नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगी। और गाइस टिफिन वगैरह अगर आप लोगे तो ऐसे लेना जो आपके माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ हो जाए। तो ये तो देखो यूटेंसिल्स मैंने आपको बता दिए, एडैप्टर मैंने आपको बता दिए, शूज़ आपको बता दिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए जो ड्रेसेस का कोड होता है, कोड इन द सेंस की जो यूजुअली वहाँ चलता है, फुल ब्लैक चलता है। कोई भी शूज़ ले लो अच्छा सा, पर फुल ब्लैक ले लेना, पूरे कपड़े ब्लैक लेना, कम से कम 3 से 4 पेयर लेना, ताकि आपको इजीली चेंज करने में आसानी हो। वैक्यूम बैग इज इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी वैक्यूम बैग तो आप लेके ही जाना। इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरत है, यूनिवर्सल अडैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, पिलो चाहे तो आप लो चाहे तो आप ना लो, ये आपकी चॉइस है। और ये है आपका ये बैग, तो अच्छा है, मतलब टॉयलेटरी बैग आप ले सकते हो अगर आपको लगता है, हैंडबैग में अगर आप रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मतलब मेरा क्या इरादा है कि ये मैं अपने साथ ही रखूँ, अपने कैबिन बैग पे या हैंडबैग पे, तो एक हैंडबैग एडिशनली होगा। तो अभी बहुत सी चीज़ें छूट चुकी है, वो मैं ना प्रॉपर आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट ये कुछ ऐसी प्री रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है, आप खरीद लो, ये तो मतलब ज़रूरी ज़रूरी। ये चीज़ें ना मैंने इनिशियली खरीद ली थी, अब जो नॉर्मल शॉपिंग हो रही है मेरे कपड़े वपड़े की हो रही है, तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मुझे बताना कि आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइज वन मोर थिंग, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं लेके जा सकते, वो आपको कहाँ से वेरीफाई करनी है। एक ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो कि क्या मैं चीज़ें लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।